है गाइस, मैं ले आ चुका हूँ आज का नया वीडियो IQ7 का रिव्यू, जो 15 दिन यूज़ करने के बाद देने वाला हूँ। हाँ भाई, मालूम है बहुत दिनों तक वीडियो मैंने नहीं बनाया है, अब लगातार वीडियो आता रहेगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मेरे पास जो वेरिएंट है 8GB 128GB स्ट्रोम ब्लैक वेरिएंट है, जिसका बॉक्स प्राइस लिखा है 35,000 पर, आपको अमेजोन में 30,000 विद बैंक ऑफर आपको मिल जाएगा। मैं इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं पहले से अनबॉक्स कर चुका हूँ, तो इस बॉक्स ऐसा दिखता है बॉक्स, और बॉक्स के अंदर कुछ पुस्तक है। अब चलते हैं इसके चार्जर की तरफ। जो चार्जर जो मिलता है, USB-C टाइप चार्जर मिलता है, वीवो ब्रांडिंग के साथ चार्जर मिलता है, जिसका आउटपुट है 66 वॉट, बहुत ही फास्ट चार्जिंग है। चार्जिंग स्पीड भी आपको वीडियो के आगे मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चार्जर के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया चढ़ा हुआ है, जो आपको धूल से बचाएगा, और वायर भी बहुत ही बढ़िया है। अब चलते हैं इसका मेन आइटम की तरफ, जो है डिवाइस IQ7। एक मिनट, साइड में। हाँ, इसमें जो बैक कवर पहले से मिलता है, तो मैंने लगा के रखा है। बैक कवर डिसेंट क्वालिटी का मिलता है। इसका ब्राइटनेस भी बहुत ही बढ़िया है, जो 800 निट्स तक जाता है, और HDR में 1300 निट्स तक जाता है, जो नॉर्मल यूसेज आउटडोर यूसेज में ब्राइटनेस आपका 800 तक ही जाएगा। इसका जो ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, ऊपर की तरफ पंच होल थोड़ा बड़ा है, जिससे जो भी रेडमी का फ़ोन है उस हिसाब से। इसका स्क्रीन डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया है, 120Hz एमोलेड पैनल है। डिजाइन पीछे जो मिलता है, मैं बताना भूल गया, पीछे जो मिलता है वो जो ग्लास बैक है इसमें। और एक चीज़ जो मुझे ख़राब लगा, गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन होने के बाद भी इसमें 3.5mm जैक नहीं मिलता। और एक इसमें बढ़िया है कि इसमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ आता है, तो आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है, तो बढ़िया सा एक स्क्रीन गार्ड प्रोवाइड कर रहा है, जो मार्केट में नया फ़ोन का नहीं मिलता। अब चलते इसके सॉफ्टवेयर की तरफ। जो इसमें सॉफ्टवेयर मिलता है, फनटच OS, वीवो का OS मिलता है, फनटच OS 11.1 मिलता है एंड्रॉयड 11 के साथ। जो वीवो का सेम टू सेम मिलता है इसमें, जो मतलब आपको जो दिख रहा है पिंक टिंट, वो एक्चुअली डिस्प्ले का कुछ नहीं है, मेरा कैमरा का इशू है। मतलब फ़ोन कैमरे से रिकॉर्ड करो, पता नहीं ऐसा टिंट क्यों आया, पिंक टिंट जो आ रहा है आपको दिख रहा है कैमरा में। इसके साथ जो फ़ोन के साथ मिलता है मार्च का सिक्योरिटी पैच, जो अपडेट आ चुका है, मतलब 10 दिनों के अंदर ही अपडेट आ चुका था अप्रैल का सिक्योरिटी पैच, जो अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया। इसमें अंदर बहुत सारे ब्लॉटवेयर आते हैं, जिसमें से बहुत सारे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, पर एक जो है नेटफ्लिक्स, वो आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। मेरा पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, मैं नेटफ्लिक्स नहीं यूज़ करता, फिर भी मैं इसे अनइंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे ऐप्स है जिसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, जैसे IQ स्टोर वगैरह, थीम्स, ऐसा बहुत सारे, उसको भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, पर नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। अब चलते हैं कि इसमें जो 3.5mm पोर्ट्स नहीं था, उसके लिए आपको ऐसा अडेप्टर ख़रीदना होगा, जो ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जो वन प्लस का मैंने लिया है, वो 300 रुपीज़ का पड़ा है, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जो कि इसके साथ बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब चलते हैं इस फ़ोन की कैमरे की तरफ। जो इसका फ्रंट कैमरा है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। कैमरा यूज़र इंटरफेस एकदम वीवो की तरह ही है, क्योंकि वीवो का OS यूज़ हो रहा है, तो इसमें सब बहुत सारा सेल्फी का फीचर्स मिलता है आपको। इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इसमें जो मतलब ब्यूटी इफेक्ट डिसेबल करने के बाद भी ब्यूटी इफेक्ट अप्लाई होता है। कलर टोन बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही बढ़िया आया है, पर थोड़ा ब्यूटी इफेक्ट उसमें यूज़ होता है। अब चलते हैं कुछ बैक कैमरा की, बैक कैमरा फ़ोटो पे। जो फ़ोटो है बहुत ही बढ़िया आया है, नेचुरल कलर टोन आया है। इसका जो बैक कैमरा का सेंसर है, 48 मेगापिक्सल सोनी का 598 सेंसर है, जो बहुत ही बढ़िया काम करा है वीवो ने इस सेंसर के साथ। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जो वीडियो का मैक्सिमम रेजोल्यूशन आप शूट कर सकते हो, फ्रंट कैमरे से 1080p 30fps, बैक कैमरे से 4K 60fps तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो इस फ़ोन के साथ। इसके अलावा भी बहुत सारा फीचर्स मिलता है, जैसे एयर स्टिकर, प्रो मोड, स्पोर्ट्स मोड, बहुत सारे आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं नेटवर्क की तरफ। नेटवर्क में जो आपका
5G है, सो 5G एक ही बैंड मिलता है N78, जो इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता। अगर नहीं आया तो आपका फ़ोन 5G नहीं होगा, इस 5G बैंड अपडेट में नहीं आएगा, जो है वही रहेगा क्योंकि ये हार्डवेयर इशू है। और एक चीज़ देख लेते हैं जो बहुत सारे यूज़र का जानना होता है कि 4G प्लस सपोर्ट करता है कि नहीं। तो मेरे एरिया में 4G प्लस सपोर्ट करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर की तरफ देख लीजिए 4G प्लस आ रहा है, मतलब कैरियर एप्लीकेशन सपोर्टेड है इसमें, इस फ़ोन में। अब चलते हैं चार्जिंग की तरफ, जो चार्जिंग स्पीड आपको दिखाने वाला हूँ, फ़ोन पूरा डेड है तो इसमें टाइम दिखा देते 10:30। अब चार्ज करते देख लेते कितना टाइम लगता है चार्ज होने में। चार्जिंग हो रहा है 10:30 में, चार्जिंग पोर्ट में मैंने लगाया, आपको दिखा सक देख लीजिए। लगाते ही एक मिनट में, एक्चुअली एक मिनट नहीं 10:30 मॉर्निंग पकड़ लेते, थोड़ा लेट सेकेंड का कुछ डिले था, मतलब लगाते ही 1% हो गया। अब चलिए देखते हैं 5 मिनट बाद कितना चार्ज होता है। तो 5 मिनट बाद फिर आएंगे जो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करके मैं चार्ज दे रहा हूँ, तो इसका मतलब चार्जिंग स्पीड थोड़ा वेरी हो सकता है अगर फ़ोन ऑन रहा तो। चलिए 5 मिनट हो गए, अब देख लेते हैं कि कितना चार्ज हो चुका है फ़ोन में 10:36 मतलब 10:31 से 25%, जो बहुत ही बढ़िया है। 5 मिनट में 25% चार्ज हो चुका है, जो बहुत ही बढ़िया है। अब आ गए फुल चार्ज के बाद, मैंने लगातार देख रहा था तो अभी फुल चार्ज हुआ है 100% 11:09 पे, मतलब 38 मिनट में पूरा चार्ज हो चुका है। अब चलते हैं स्पीकर की तरफ, जो इसमें स्पीकर मिलता है वो डुअल स्पीकर मिलता है, मैंने ट्राई किया है तो आपको भी सुना देता हूँ। स्पीकर का क्वालिटी डिसेंट है, ज़्यादा लाउड नहीं है बट बहुत ही क्लियर है। तो आपको यूट्यूब में एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। और एक चीज़, YouTube में आप 4K तक प्लेबैक कर सकते हो, HDR भी प्लेबैक होगा YouTube में। तो YouTube में चलते हैं और एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। अब चलते हैं दूसरे फीचर्स की तरफ, जो चीज़ मैंने बताना भूल गया कि बैटरी बैकअप जो मुझे मिला है फुल चार्ज के बाद नॉर्मल यूज़ में ऑलमोस्ट 2 एंड 5 डेज। तो मैं जो बता रहा था जो सिक्योरिटी पैच अपडेट का वो आ गया, अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया। बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया मिला। और एक चीज़ है, जो डायलर गूगल डायलर नहीं मिलता दूसरे फ़ोन की तरह, इसमें वीवो के खुद का डायलर है, तो आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो बिना सामने वाले को जनाकर बोलकर, मतलब नोटिफिकेशन चला जाता है ना गूगल डायलर में अगर रिकॉर्डिंग ऑन करोगे तो। और एक चीज़ है, जो MANC जो गेमिंग में यूज़ होता है FPS बढ़ाने के लिए, पर मुझे लगा वो एक सिर्फ गिमिक ही है, मतलब जो PUBG में आप 40 FPS से 60 FPS से जाने से जितना मेजर जो डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हो, उतना 60 FPS से 120 FPS MNC टेक्नोलॉजी के यूज़ करने के बाद जो आपको मिलेगा वो उतना नोटिसेबल नहीं है। और भी जो ये सिर्फ MNC टेक्नोलॉजी सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी में सपोर्टेड है, आने वाले दिन में PUBG में सपोर्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा, ज़रूर ले आऊँगा। तो इस IQ7 के बारे में जितने भी आपको वीडियो चाहिए, मतलब वीडियो चाहिए तो ले आऊँगा, इसके ऊपर जितने भी अपडेट आएगा सब ले आऊँगा, या इसका कैमरा रिव्यू, डिटेल कैमरा रिव्यू और गेमिंग रिव्यू ये दोनों आने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियो देखने के लिए। मैंने अभी तक जो पूरा वीडियो 60Hz में रिकॉर्ड किया है, 120Hz में अगर मेरा फ़ोन डिफॉल्ट मतलब स्मार्ट आप यूज़ करना चाहते हो तो स्मार्ट स्विच में रखिए, 120Hz में रखने से बहुत ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन होता है, मैंने यूज़ करके देखा है। तो आप अगर स्क्रॉलिंग वगैरह 120Hz में करना चाहते हो तो स्मार्ट स्विच में कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही,
तो जय हिंद, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।